नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है हिरजम नियरा और ये मेरे सी बिगनर्स ट्यूटोरियल सीरीज का 10th वीडियो है। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इफ़ स्टेटमेंट्स के बारे में। इफ़ और स्विच दोनों एक ही काम करते हैं, ये दोनों आपके प्रोग्राम को डिसीजन मेकिंग बनाने में मदद करते हैं। इन दोनों में एक फ़र्क होता है, वो फ़र्क क्या होता है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। पहले हम ये देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट्स बनता कैसा है। तो एक सिंपल सा हम यहाँ पे सी का प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम स्विच स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे स्लैश इंक्लूड stdio.h और इसके बाद मेन void में, और यहाँ पे अब हम अपना जो कोड है वो लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एक रन टाइम वेरिएबल जिसमें हम चार इसका टाइप होगा यानी कि करेक्टर, और इसका नाम होगा gr मतलब ग्रेड। ओके, और यहाँ पे फिर हम एक मैसेज प्रिंट आउट कराएंगे जैसे पहले वीडियो में हमने कराया था, और इसमें हम लिखेंगे एंटर योर ग्रेड। अब यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट लेंगे, और क्योंकि यहाँ पे हमने करेक्टर दिया हुआ है इसका टाइप, तो हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंट सी कॉमा एंड gr। और अब यहाँ पे हम अपना जो स्विच स्टेटमेंट है वो शुरू करेंगे। स्विच स्टेटमेंट शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होता है स्विच, और स्विच के अंदर यहाँ पे हम कंडीशन नहीं देंगे, हम यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम देंगे जिसकी वैल्यूज पे हमको ऑपरेशन डालना है। यहाँ पे हम डालेंगे gr। ओके, और फिर इसके बाद हम ये दो कर्ली ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। स्विच स्टेटमेंट के अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है केस और एक होता है डिफॉल्ट। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे केस ए, सॉरी केस ए कॉलन, और यहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट आउट कराएंगे वेरी गुड, और इसके नीचे हम लिखेंगे ब्रेक। और हम अब एक डिफॉल्ट लिखेंगे। डिफॉल्ट क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। कॉलन, और यहां पे हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे इनवैलिड एंट्री। ओके, अब हम कुल पांच केस इस प्रोग्राम में लेंगे, 1 2 3 4 5 ओके। अब यहां पे एक मिनट, अब यहाँ पे हम ए को बी करेंगे, और हम यहाँ पे लिख देंगे गुड, इसको सी करेंगे, और यहाँ हम लिखेंगे नॉट बैड, इसको हम यहाँ पे करेंगे डी, और
यहाँ पे हम करेंगे बेड और इधर हम लिख देंगे ई और यहाँ हम लिखेंगे यू आर फे। ओके, अब मैं आपको समझाता हूँ कि डिफ़ॉल्ट क्या होता है। देखिए, यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर किए, हम उसकी वैल्यू यहाँ पे यूज़र से लिए। अब अगर उसकी वैल्यू ए होगी तो हम प्रिंट आउट होगा वेरी गुड, बी होगी तो गुड, सी होगी तो नॉट बैड, डी होगी तो बैड, ई होगी तो यू आर फेल। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी वैल्यू यूज़र देता है जो ए बी सी डी ई से बाहर है, चाहे वो कुछ भी हो, तब जो ये स्विच है ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू को जो है एग्जीक्यूट करेगा। तो अब इसको सेव कर देते हैं। और अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम एक एक जो केस 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट में डिफ़ॉल्ट, इन सब को चेक करेंगे। सबसे पहले मैं इसे दूंगा ए, वेरी गुड। उसके बाद मैं इसे दूंगा बी, गुड। फिर दूंगा सी, मतलब नॉट बैड। डी, मतलब बैड। और फिर ई, मतलब यू आर फेल, सॉरी, ई मतलब यू आर फेल। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे देता हूँ नंबर, जैसे कि 2, तब जो हमारा डिफ़ॉल्ट में हमने लिखा है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, इनवैलिड एंट्री। और मान लीजिए मैं यहाँ देता हूँ ए, तो क्योंकि ये स्मॉल ए है, हमने केस में कैपिटल ए लिखा है, तो वो यहाँ पे हो जाएगा इनवैलिड एंट्री। अब ये स्विच होता है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं स्विच वर्ड, कीवर्ड, उसके बाद हम एक वेरिएबल लिखते हैं और फिर उसके बाद हम केस और फिर उसकी वैल्यू केस और उसके बाद जो हमको उस केस में जो एग्जीक्यूट कराना है वो, फिर ब्रेक, फिर केस, फिर उसकी वैल्यू, फिर ब्रेक। और जब हमारे सारे केसेस जो पॉसिबल केसेस हैं वो हो जाते हैं तो हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हैं और फिर हमारा प्रोग्राम ख़त्म। ओके, अब यहाँ पे स्विच का जो काम है वो हो गया। और अब जो मैं बताने वाला हूँ उसके लिए आपको जो मेरा पिछला वीडियो है इफ़ वो देखना पड़ेगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इफ़ और स्विच में जो डिफरेंस होता है वो। वैसे मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाने वाला था, लेकिन अब दो लाइन को समझाने के लिए कोई क्या वीडियो बनाए। तो देखिए, मान लीजिए मैं आपको कुछ ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाऊँगा। मान लीजिए मैं अगर इसको इफ़ में बनाता तो मुझे सबसे पहले एक इफ़ देना होता ए के लिए, फिर एक एल्स देना होता, उस एल्स के अंदर फिर एक इफ़ देना होता बी के लिए, फिर एल्स, फिर एक इफ सी, फिर एल्स, फिर डी, फिर एल्स, फिर ई, और फिर लास्ट में एक एल्स देके जो हमारा डिफ़ॉल्ट है वो। इससे हमारा जो पूरा कोड है वो करीब 50-60 लाइन का हो जाता, मतलब जस्ट इसका डबल। अगर हम एंडिंग को ना गिने तो 29 का है और वो हो जाता 60-70। और मान लीजिए जो पिछला वीडियो था जिसमें हमने एज के साथ डील किया था कि 18 है तो एडल्ट, 18 से ऊपर है तो एडल्ट और 18 के नीचे है तो नॉट एडल्ट। ओके, अगर मैं उसको स्विच में बनाता तो मुझे यहाँ एक इंसान की पॉसिबल एज होती है 100, मुझे 100 केसेस देने पड़ते। ओके, और फिर अगर मैं उसमें कोई 200 डाल दूँ तो उसके वो डिफ़ॉल्ट में आता, तो केस मुझे टोटल 100 देने पड़ते। ओके, और इसलिए हमने उस जो एज वाला था उसको इफ़ में बनाया और जो ग्रेड वाला है उसको हमें स्विच में बनाया। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास कंडीशंस कम हों तब हम इफ़ का यूज़ करते हैं,
और जब कंडीशंस ज़्यादा हो तब हम स्विच का यूज़ करते हैं। मतलब मान लीजिए अब हमारे पास जब हम एज के साथ डील कर रहे थे तो हम एक कंडीशन दिए कि भाई 18 के ऊपर है तो एडल्ट, ओके, उसके बाद चाहे वो कोई भी नंबर डाले, और अगर 18 के नीचे है तो नॉट एडल्ट। और यहाँ पे हमारे पास हमको एक एक कंडीशन देना है, लेकिन हमको यहाँ पे जो वैल्यूज़ है या उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ है वो कम है। मतलब हम यहाँ पे सिर्फ 5 ही दे सकते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं दे सकते, तब हम स्विच का यूज़ करेंगे। ये चीज़ आपको किसी बुक वगैरह में नहीं मिलेगी, लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्योंकि जब आप कुछ काम करेंगे तब आपके पास कोई टास्क आएगा और आपको उसको परफॉर्म करने के 2 तरीके होंगे, एक इफ़ और दूसरा स्विच। तो उसमें उस वक्त आपको क्या यूज़ करना है ये आपको इस बात से पता चलेगा कि उस टास्क में हमारे पास कंडीशंस ज़्यादा है या जो हमारे पास जो वैल्यूज़ होती है वो ज़्यादा है। अगर यूज़र जो वैल्यू करता है वो कम है तब हम स्विच का यूज़ करेंगे, ओके। और अगर हमारे पास जो क्या करने से पॉसिबिलिटीज़ बहुत है यूज़र के द्वारा एंट्री की, तब हम इफ़ यूज़ करेंगे, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई जो मैंने इफ़ ऑफ स्विच का डिफरेंस बताया, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको स्विच समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कोई डाउट हो तो। और बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।